एक गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। पूनम अपनी दादी कोकिला और अपनी माँ बिंदु के साथ रहती थी। जब पूनम छोटी थी तभी उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वो अपने माँ के साथ रहती थी। पूनम की दादी कोकिला को बहुत अच्छा लहंगा सिलने आता था। पूरे गांव के लोगों को उसके दादी के हाथ के बने लहंगे बहुत पसंद थे। पूनम की माँ बिंदु की गांव में एक लहंगे की दुकान थी। वो दुकान बहुत चलती थी। पूनम की माँ बिंदु उसके दादी के हाथ से बने लहंगे उस दुकान पर बेचा करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद पूनम की दादी कोकिला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन वो पूनम को बोली, पूनम बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे लहंगा नहीं सिला जाता। तेरी माँ भी पूरा दिन दुकान संभालती है। मैं चाहती हूँ कि अब से तू भी लहंगा सिले। पर दादी, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता, और वैसे भी गांव के लोग तो आपके हाथ से सिले हुए लहंगे पसंद करते हैं। बेटी, तू फिकर मत कर, मैं तुझे लहंगा सिलना सिखा दूंगी। दादी, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी, लेकिन क्या मैं आपके जैसे लहंगे बना पाऊंगी? अगर तुम्हारा सीखने का मन होगा तो तुम बहुत ही जल्द सीख जाओगी, और अगर मैं मर गई तो तेरे को तो सिलने पड़ेंगे ना लहंगा। दादी, आप मरने की बात मत करिए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और हाँ, कल से आप मुझे लहंगा सिलना सिखाना, उसके बाद आप सिर्फ आराम करना और मैं आपका सारा काम करूंगी। पूनम की बात सुनकर उसके दादी खुश हो जाती है। अगले दिन दादी ने पूनम को लहंगा सिलना सिखा दिया। कुछ दिनों में ही पूनम बहुत अच्छा लहंगा सिलना सीख गई। ये देखकर पूनम की माँ बिंदु बोली, माँ जी, पूनम तो बहुत अच्छा लहंगा बना रही है। लोगों को उसके सिले हुए लहंगे बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि हमारे जमा करे हुए पैसों से हम एक बहुत बड़ी लहंगे की दुकान खोल लेते हैं। पूनम की दादी पूनम की माँ की बात मान लेती है। कुछ दिनों बाद पूनम की माँ एक बहुत बड़ी लहंगे की दुकान खोल लेती है। उन्हीं के गांव में एक जादूगरनी रहती थी। एक दिन वो पूनम की दुकान के बाहर से जा रही थी। उसने पूनम के बने हुए लहंगे देखे और मन ही मन सोचने लगी, मुझे काला जादू करने के लिए ऐसा ही लहंगा चाहिए। मैं इनको अपने जादू से डराकर एक लहंगा लेकर आती हूँ। इतना सोचकर जादूगरनी पूनम की दुकान के अंदर चली जाती है। तब दुकान में पूनम और उसकी माँ थी। दुकान में जाकर जादूगरनी बोली, मुझे ये काले रंग का लहंगा बहुत पसंद आ रहा है, मुझे जल्दी से ये लहंगा दे दो। आप पैसे देकर ये लहंगा ले जाइए। तू मुझसे पैसे मांग रही है? जानती है मैं कौन हूँ? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आप जो भी हैं, अगर आप पैसे नहीं देंगी तो मैं आपको ये लहंगा भी नहीं दूंगी। मैंने बहुत मेहनत से सिला है ये लहंगा। लगता है तुम दोनों को मेरे बारे में पता नहीं है। मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं अपनी जादुई शक्तियों से जो चाहे वो कर सकती हूँ। तभी पूनम की माँ जादूगरनी को दुकान से बाहर निकाल देती है। तब जादूगरनी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी निकाल कर पूनम और उसकी माँ को बांध देती है। और फिर वो दुकान में से सारे लहंगे निकाल कर उस दुकान में आग लगा देती है। कुछ देर बाद गांव वाले आकर उन दोनों की रस्सी खोल देते हैं। माँ, उसने हमारी दुकान को जलाकर राख कर दिया, अब हम क्या करेंगे? बेटी, अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दोबारा दुकान खोल सके। वो दोनों रोते हुए घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। कुछ दिनों बाद वो लोग बहुत ही गरीब हो गए। अचानक से एक दिन पूनम की दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पूनम बेटी, तेरी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उनके लिए दवाई लानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास तो दवाई खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। माँ, आप फिक्र मत करो, आप बस दादी का ख्याल रखिए, मैं कहीं ना कहीं से दादी की दवाई लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहीं भी किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तब पूनम रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। अगर मैं दवाई नहीं लेकर गई, तो मेरी दादी की तबीयत और भी खराब हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? वो ये सोचकर रोने लगी। तभी वहाँ एक परी आकर प्रकट हो गई। परी ने आकर उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें?
आप कौन हैं और आप मेरे पास कैसे आए और आपके पास ही पंख कैसे हैं? क्या आप भी एक जादूगरनी हैं? नहीं बेटी, मैं एक परी हूँ। मैं परीलोक से यहाँ पर किसी को ढूंढने आई हूँ। आप किसको ढूंढने आई हो? मैं एक जादूगरनी को ढूंढने आई हूँ। मैंने उसको परीलोक में अपने कैद में रखा था और वो मेरी कैद से पृथ्वी लोक पर भाग आई है। आप जिस जादूगरनी की बात कर रही हैं, मैं उसको जानती हूँ। इतना कहकर पूनम परी को सारी बात बताती है। मुझे पता है वो लोगों को परेशान करती है। उसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। मैं उसको सजा दूंगी और तुम्हारी भी मदद करूंगी। तुम मेरे साथ चलो। पूनम परी के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। तभी परी और पूनम गांव के पीछे वाले झरने के पास पहुंच गए। वो कोई मामूली झरना नहीं था, वो एक जादुई झरना था और उस झरने में लहंगे बह रहे थे। पूनम, ये एक जादुई लहंगे का झरना है। तुम इस झरने में से लहंगा लेकर बेच सकती हो। मुझे पता है कि वो जादूगरनी फिर से तुम्हें परेशान करने आएगी। मैं तभी उसे पकड़ लूंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। पूनम तभी से वहाँ से लहंगा लेकर बेचने लगी। जब वो अपने घर से अपनी दुकान पर गई, तो उसने देखा कि उसकी दुकान फिर से पहले जैसी हो गई है। उसने उस दुकान पर वो लहंगे लगा दिए। कुछ दिनों बाद जादूगरनी फिर से उसकी दुकान पर आती है। परी को ये बात पता चल गई। तभी परी वहाँ आ गई और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उसको कैद में ले लिया और अपने साथ परीलोक वापस ले गई। कुछ दिनों में ही उसकी दुकान फिर से चलने लगी। उसकी दादी की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और वो अपने घर वालों के साथ पहले जैसे हंसी खुशी रहने लगी। जादुई लहंगे का घर। कोयल अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब कोयल 11 साल की थी, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा की एक बेटी थी जिसका नाम रूही था। कोयल के चाचा चाची ने उसे एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ाया था और अपनी बेटी रूही को एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाया था। एक दिन कोयल की चाची रमा अपने पति मुकेश से कहती है, सुनो जी, अब हम कोयल को इतना नहीं पढ़ा सकते। 12वीं तक पढ़ा दिया है, इतना ही बहुत है। उस पर इतने पैसे खर्च करना हमारे बस की बात नहीं है। कोयल को सिलाई सिखा देते हैं। वैसे भी सिलाई का काम आजकल बहुत महंगा हो गया है। सिलाई करने आएगा उसे तो वो बहुत पैसे कमा सकती है। हमारे घर खर्च में थोड़ा हाथ बटा देगी। वैसे भी इतने सालों से हम उसे फ्री में खिला रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है। अगर 4 पैसे कमाएगी तो हमारे घर के काम ही आएंगे ना। लेकिन हम अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाएंगे। तभी वहाँ कोयल आती है और कहती है, चाचा जी, मैंने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली है। अब आप मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। ओहो, बड़ी है कॉलेज वाली। मैंने तेरा सिलाई सेंटर में नाम लिखवा दिया है। चुपचाप कल से सिलाई सीखने चली जाना। ठीक है चाची जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन से कोयल सिलाई सेंटर जाने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और कोयल अपनी चाची के पास जाती है। चाची जी, अब तो मेरा सिलाई का कोर्स भी पूरा हो गया है। अब आप मुझे एक सिलाई मशीन दिला दीजिए। शाम होते ही उसकी चाची उसके लिए सिलाई मशीन लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका चाचा रूही का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। लेकिन रूही पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं थी और सारा दिन कॉलेज के आवारा लड़के और लड़कियों के साथ घूमती रहती थी। कोयल घर का काम करके अपनी दुकान पर चली जाती थी और कपड़े सिलने लग जाती है। कोयल के चाची और रूही किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते थे। एक दिन रमा कहती है, देख, तू जितना भी पैसा कमाती है सब लाकर मुझे देगी। अगर तूने अपने पास कुछ भी पैसा रखा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ठीक है चाची जी, मेरे पास जितना पैसा होगा मैं सब आपको दे दूंगी। दिन भर में कोयल को जो भी कमाई होती थी वो शाम को अपनी चाची को दे देती थी। कोयल बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, इसलिए उसके पास कोई भी गरीब कपड़े सिलवाने आता तो वो बहुत कम पैसे में सिल देती थी। एक दिन एक गरीब लड़की उसके पास कपड़े सिलवाने आती है और कहती है, बहन, क्या तुम मेरी कपड़े सिल दोगे? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और मैं बहुत गरीब हूँ। कोयल उस लड़की से पैसे नहीं लेती है और पूरा दिन उसके कपड़े सिलने में लगा देती है। शाम को जब वो घर जाती है तो उससे रमा पैसे मांगती है।
चाची जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया है। करम जली मनहूस, आज के पैसे कहाँ उड़ा कर आई है, मुझे सच सच बता। कोयल उसे सारी बात सच सच बता देती है। रमा खींच कर कोयल को एक थप्पड़ मारती है। हमने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो तो फ्री में किसी के लिए भी कपड़े सिल देती है। अगर आज के बाद तूने किसी का एक रुमाल भी फ्री में सिला तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी। चल निकल, अब किचन में बहुत सारे काम है, जाकर कर। कोयल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। अगले दिन एक काली बदसूरत जादूगरनी उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनो कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल दोगी? हाँ ठीक है, मैं आपके लिए एक सुंदर सा लहंगा बना दूंगी। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ मत देना, मैं आपका लहंगा ऐसे ही सुंदर सा सिल दूंगी। अगले दिन वो जादूगरनी फिर से उसके पास आती है और अपना सुंदर सा लहंगा देखकर खुश हो जाती है। जादूगरनी उस लहंगे को पहनकर देखती है। वाओ, ये कितना सुंदर लहंगा है, तुमने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा बनाया है, हर कोई मुझे देखकर भाग जाता है, लेकिन आज तुमने मेरी शादी का सबसे कीमती गिफ्ट दिया है मुझे, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। कोयल सोने के सिक्के अपने साथ लेकर शाम को घर जाने लगती है, तभी रास्ते में उसे एक गरीब औरत मिलती है। उस औरत को देखकर कोयल उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे रास्ते पर क्यों बैठी हैं? अरे मुझे अस्पताल लेकर चलो बेटा। कोयल उस औरत को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कोयल से कहता है, देखिए इन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए हमें इनका इलाज फौरन करना होगा, आप जल्दी से 2.5 लाख रुपए यहाँ जमा कर दीजिए। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और कोयल अपने सोने के सिक्के हॉस्पिटल के काउंटर पर जाकर दे देती है। डॉक्टर उस गरीब औरत का ऑपरेशन करने लगते हैं और कुछ देर बाद ऑपरेशन हो जाता है। उस औरत को होश भी आ जाता है। कोयल अपने मन में सोचती है, एक काम करती हूँ, रात भर यहीं रुक जाती हूँ, सुबह चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह जब कोयल घर जाती है तो रमा उससे कहती है, अरे मनहूस, रात भर अपना मुंह कहाँ काला करवा रही थी, कहाँ थी पूरी रात? कोयल अपनी चाची को सारी बात बता देती है। उसकी चाची उसे मारने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये मनहूस सोने के सिक्के उस औरत के इलाज में जाकर दे आई, तुझे अपना घर छोड़कर बाकी सब दिखते हैं? ये तेरा अपना घर नहीं है, इसलिए यही सब सोचकर तो सारे पैसे उड़ा देती है। नहीं चाची जी, ऐसा नहीं है, ये मेरा अपना घर है और आप सब मेरे अपने परिवार हैं। उस औरत को इलाज की जरूरत थी, नहीं तो वो मर जाती। यहाँ हम भी तो मरे जा रहे हैं, तुझे पता भी है हमारे ऊपर कितना कर्जा है, बचपन से तुझे पढ़ाया लिखाया और तुझे काम सिखाया है, लेकिन अब तुझे अपने पैसों पर इतना घमंड हो गया है, चल निकल घर से, अब तेरा यहाँ कोई नहीं है। रमा कोयल को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। कोयल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वही गरीब औरत वहाँ आती है और एक सुंदर परी में बदल जाती है। ये सब देखकर कोयल हैरान रह जाती है। मैं एक परी हूँ, मैंने तो बस तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम अपने परीक्षा में पास हो गई हो। वाकई में कोयल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे पता है तुम्हारे साथ तुम्हारी चाची ने क्या क्या किया है। इतना कहकर परी वहाँ एक बड़ा सा जादुई लहंगे का घर प्रकट कर देती है। परी उसे कहती है, अब से तुम इस जादुई लहंगे के घर में रहना, ये जादुई लहंगे का घर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। परी की ये बात सुनकर कोयल बहुत खुश हो जाती है। कोयल जादुई लहंगे के घर में जाती है। कोयल देखती है कि वहाँ बहुत सारे सोने और पैसे हैं। उसके बाद कोयल उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।